फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में आप थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक को लेकर है। तो आज मैं अगेन करने जा रही हूँ रूप मंत्रा के प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि है रूप मंत्रा का नीम फेस वॉश। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पैकेजिंग। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ट्यूब टाइप पैकेजिंग में आता है और इसके ऊपर लिखा है रूप मंत्रा नीम फेस वॉश। तो इसके ऊपर लिखा है रिमूव एक्सेस ऑयल, डीप रूटेड डर्ट, कंट्रोल ब्लिमिशेस एंड पिंपल्स। डीप रूटेड डर्ट का मतलब ये है कि जो हमारे पोर्स के अंदर जो डर्ट जम जाती है, जिससे जो है पोर्स हमारे क्लॉग हो जाते हैं, तो उसकी जो डर्ट होती है उसको निकालने में हेल्प करता है। कंट्रोल ब्लिमिशेस, तो कंट्रोल ब्लिमिशेस जो छाइयाँ आ जाती हैं फेस पे उसको लाने से रोकता है। एंड पिंपल, तो पिंपल आपको पता ही है नीम जो है वो पिंपल के लिए बेस्ट है। तभी हम नीम को पीस के अच्छे से फेस पे लगा लेंगे या उसको पानी बॉईल करके उससे फेस वॉश करेंगे, तब भी जो है हमारे पिंपल्स जो है काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं। ब्लिमिशेस का इसके ऊपर लिखा हुआ है तो, बट मैं कभी भी गलत रिव्यू नहीं देती हूँ। तो कंट्रोल ब्लिमिशेस, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, नींद पूरी करते हैं, तभी आपकी ब्लिमिशेस कंट्रोल हो सकती हैं। ऐसा कोई भी फेस वॉश नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो रातों रात गोरा कर दे या फिर ब्लिमिशेस को कंट्रोल कर ले, क्योंकि ब्लिमिशेस जो हैं वो इंटरनली डेवलप होती हैं। एक्सटर्नली आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लो, उससे ब्लिमिशेस पे लाइक 19-20 का फ़र्क पड़ेगा। 100% ब्लिमिशेस किसी भी फेस वॉश से नहीं जा पाएंगी। भी है आयुर्वेदा का प्रोडक्ट, और मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ जो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल भी उसके अंदर मैं कह सकती हूँ कोई भी ऐसी चीज़ या हार्श केमिकल नहीं ऐड किया जाता जिससे स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े। मैं आपको बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट भी। तो इसके अंदर मेन 3 इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, एक है नीम, दूसरी है तुलसी और तीसरी है हल्दी। तो इससे ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया। तो ये तीनों ही स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। हल्दी जो है वो वैसे भी स्किन को थोड़ा बहुत फेयर करने का काम करती ही करती है। नीम जो है वो एक्ने को कंट्रोल करता है और जितनी स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और तुलसी भी स्किन के लिए बेस्ट रहती है। बता देती हूँ आपको इसका प्राइस भी। तो इसका प्राइस है 83 रुपीज, और ये है बेस्ट अप टू 3 ईयर्स। तो ऑफकोर्स अगर आप रेगुलर यूज करोगे तो 3 ईयर्स तो ये चलेगा नहीं। और ये भी है फ्रॉम द ब्रांड ऑफ दिव्यासा, एंड अगेन इट्स अ डॉक्टर जुनेजा रेसिपी। तो डॉक्टर की सुपरविजन में इसको बनाया गया है, तो कोई इश्यू भी नहीं है इसको यूज करने का। और इस पे भी ऑफर है 100 ml प्लस 15 ml एक्स्ट्रा। तो अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 115 ml के देने होंगे ओनली 83 रुपीज। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर की अंदर से देखने में कैसा है। नो डाउट रूप मंत्रा का कोई भी फेस वॉश की ट्यूब को मैं जैसे ही ओपन करती हूँ बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस फैल जाती है, बहुत ही नेचुरल फ्रेग्रेंस आती है इसके अंदर। ये देखिए, ये है डार्क ग्रीन कलर का फ्रेग्रेंस, इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है जैसे कि नेचुरल थिंग्स की आ रही है। ऑफकोर्स इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली गई होंगी तभी ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है। इन लोगों की भी एक्ने वाली स्किन है, ऑयली स्किन है, और मैं कह सकती हूँ जिसके स्किन पे प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइक पिंपल्स आ जाते हैं, वाइटेड आ जाते हैं, ब्लैकेड आ जाते हैं, ये थोड़े थोड़े दाने रहते हैं, वो इसको ट्राई कर सकते हैं। ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि नीम है। तो नीम जो है अगर आपके स्किन पे इशू नहीं भी होगा तब भी आप ट्राई करोगे तो आपकी जो स्किन है वो हमेशा हेल्दी बनी रहेगी। तो बस यही था मेरा आज का रिव्यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।